तो गाइस अगर मैं अपने घर का टेरेस डिजाइन करने वाला हूँ तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं ध्यान रखूंगा और साथ के साथ मैं अपने टेरेस को कैसे डिजाइन करूंगा, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंट कोच पे और मैं आपका इंट कोच एंड इंट बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। चाहूंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। कहीं आप उनमें से तो नहीं हो कि आप साल में एक ही बार टेरेस के ऊपर जाते हो या 6 महीने में ऊपर जाते हो या 3 महीने में टेरेस के ऊपर जाते हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि उस टेरेस पे डिजाइन कैसा करना। कहीं ये ना आपने पैसा ज्यादा लगा दिया लेकिन यूज नहीं करते, और इस चक्कर में आपने पैसा बचा लिया कि यूज नहीं करते, कल को आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर आपके टेरेस पर पहुंच गए आपका टेरेस बहुत गंदा दिखाई देगा। तो ये सारी जो डिजाइन है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते रहूंगा कि रेयरली वालों के लिए स्टेप ये हो गए हैं, ओकेजनली वालों के लिए ये और फुल टाइम यूज वालों के लिए ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेयरली वालों के लिए। उनके लिए जो स्टेप वन आता है वो स्टेप वन क्या है कि देखो घर के ऊपर छत पे टाइल तो वैसे भी लगने वाली है, तो आपको क्या करना है, टाइल का जो शेड लेना है वो टेक्सचर फिनिश में लेना है, जो इनबिल्ट टेक्सचर है। फोटो देखो, अब मैं हो जाता हूं थोड़ा सा नीचे साइड में छोटा और सारी फोटो साथ के साथ चलती रहेंगी। तो ये टेक्सचर फिनिश है, 2x2 की टाइल ले लो, इससे बड़ी साइज की टाइल मत लेना क्योंकि फायदा नहीं है, धूप पड़ती है तो टूट सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना 2x2 या उससे छोटे साइज की लेना, बड़ी मत लेना। ग्रे कलर, ग्रे टेक्सचर फिनिश की टाइल जो है वो आपको पूरे फ्लोर में डाल देनी है। चिंता मत लो, घर छोटा नहीं दिखेगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि डार्क है तो छोटा दिखेगा, छोटा नहीं दिखेगा क्योंकि ओपन टू स्काई है यार, ऊपर आसमान दिख रहा है, तो कितना भी डार्क डालोगे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, उस पर कोई भी लाइट शेडेड चीज रखोगे, चाहे वो डेकोर का पार्ट हो, कोई फर्नीचर हो, कुछ भी हो, तो वो अलग ही अपीयरेंस देगा, जैसा कि आप साथ-साथ फोटो में देखते हो चल रहे हो। सेकंड जो आपको स्टेप करना है, आपको क्या करना है, जो भी ये पैराफिट वॉल है, जितनी भी पैराफिट वॉल है वहां पे आपको 2 से 3 इंच का एक रेज्ड प्लेटफॉर्म बना देना। रेज्ड प्लेटफॉर्म क्यों बनाना है, क्योंकि पैराफिट वॉल के साथ साथ एक तो आपको प्लांटर का स्पेस बन जाएगा और जो रेज प्लेटफॉर्म बनेगा उसकी थोड़ी सी हम ऐसे टाइल जो है, अगर हमारे ये प्लेटफॉर्म है, टाइल थोड़ी निकाल देंगे और इसके अंदर हम अपनी प्रोफाइल लाइट डाल देंगे, जिसकी वजह से आपके टेरेस की पूरी पैरापेट वॉल पे नीचे एक लाइट रन करते हुए दिखाई देगी, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। और जो बॉर्डर बनाओगे वो 18 इंच का होना चाहिए। अब स्टेप थ्री क्या होगा, स्टेप थ्री होगा हमारा, आपको क्या करना है, जो आपने 18 इंच का जो बॉर्डर बनाया है ना, उसी बॉर्डर के एडजेसेंटली आपको ग्रीन ग्रास का भी पट्टा डाल देना है, सेम 18 इंच का, ठीक है। ये क्या है, ये भी अक्रॉस द पैरापेट वॉल सारी जगह नीचे नीचे डालते जाना है, फोटो में आप साथ क्या देख ही रहे हो। इससे क्या होगा कि आपको ग्रीन की फील मिल गई, आपको टाइल्स की फील मिल गई, तो फ्लोर तो आपका टेरेस तो वैसे ही सुंदर हो गया, और वैसे भी आप रेयरली वहां पे जाने वाले हो, लेकिन हमें फील तो टेरेस की सारी चाहिए, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे तो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। पैरापिट वॉल पे भी आपको क्या करना है, सेम टाइल डाल देनी है। वो अब डिजाइनर टाइल भी बीच बीच में आप कहीं डाल सकते हो, वो आपको अब तो इंटीरियर डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, लेकिन और भी बहुत सारे डिजाइन जो आप साथ साथ देखते जा रहे हो ये आप कर सकते हो। अब आपको करना कुछ नहीं है, हर 3 फुट पे आपको अप डाउन लाइट लगा देनी है, या फिर आप सिर्फ डाउन लेटर वाली भी डाल सकते हो या मल्टी डायरेक्शन वाली भी डाल सकते हो, जिसमें चारों तरफ से लाइट जाती है। तो अब आ गए हम किसके बारे में, ओकेजन वालों के। तो अब इसमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक एलिमेंट और ऐड कर देना, और वो क्या है, परगोला। दैट्स राइट, परगोला क्या होता है, फोटो देखते रहो साथ के साथ। अब परगोला क्यों, क्योंकि परगोला के अंदर हमारी आएगी क्या, सिटिंग, और आपको क्या, ओकेजनली कि भाई वंस इन अ व्हाइल कोई आ गया। तो परगोला में आपको क्या करना है, परगोला 2-3 टाइप से बनता है, अब डिजाइन बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको बस परगोला में ध्यान रखना है कि परगोला में आपके 4 पिलर्स आ गए, लोहे में बनाना है, लकड़ी में नहीं बनाना है, ऊपर से उसको कोई कवरिंग नहीं डालनी है। डिजाइन साथ के साथ आप देख रहे हो, जैसे हमने पैरापिट वॉल के साथ हमने अपना रेज प्लेटफॉर्म बनाया था, इसे हमें परगोला पे जहां पे हमारा जो भी फ्लोर होगा उसको भी रेज करना है, उसके नीचे लाइट डाल देनी है। अब पॉइंट आता है कि परगोला बनाए कहां, तो परगोला को बनाने के 2 ट्रिक होते हैं, वो ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं। फर्स्ट, आपको परगोला की ऐसी लोकेशन डिसाइड करनी है जहां पे थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन रहे, कि मतलब कि आसपास पड़ोस में जो लोग हैं वो ज्यादा ना देख पाए। दूसरा, आपको परगोला में क्या चीज का ध्यान रखना है कि जब हम आप उसमें कोई भी सिटिंग डालोगे, जब उस पे हम बैठे, तो हमें सामने दीवार ना दिखे, दूर तक का विजन दिखाई दे। अगर आपके यहाँ सामने ग्रीन है या पेड़ दिखाई देते हैं, तो जब बंदा बैठे तो कोई छोटा कंजस्टेड फील ना, अगर आपका घर का टेरेस का एरिया छोटा है तो आपको दीवार की तरफ परगोला फेस ना करे, जो भी बंदा बैठे वो थोड़ा दूर तक भी देख पाए। तो यही 2 ट्रिक है जब परगोला डिजाइन करते, तो जब बैठने का फेसिंग है तो किस तरफ रखना है, ठीक है। तो ट्रिक क्या क्या हुई, एमएस में बनवाना है, सीलिंग में कुछ नहीं रखना है, फर्नीचर हमें आउटडोर वाला रखना है, मतलब कि वंस इन अ व्हाइल आने वाले हैं तो ये ना हो कि फर्नीचर हम ऐसे रख लो जल्दी खराब हो जाए और
कवरिंग हम कर नहीं रहे हैं, तो वो धूप पानी सब झेल सके। अगर वैसा फर्नीचर नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म बना लेना, फोटो में आप साथ क्या देख पा रहे हो, ग्रेनाइट पे बना लेना, ग्रेनाइट के ऊपर आराम से मस्त तरीके से आप बैठ जाओगे और जो कुशन है वो ग्रेनाइट का जो बेंच बनाओगे उसके नीचे आप एक स्टोरेज बनवा सकते हो, और फर्नीचर का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब बात करते हैं उनकी जो कुड़ी कर दी रहती है सैटरडे, मतलब कि अगर आप पार्टी जो है वो ओकेजनली नहीं, रेयरली नहीं, बल्कि हर वीकेंड पे करते हैं और आपके यहाँ पे पार्टी होस्ट करने वाले आप ही हो, तब अब आपको और एलिमेंट इसमें कुछ ऐड करने पड़ेंगे। तो अभी तक हम एक समरी कंक्लूड कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने डार्क टाइल्स डाली है, डार्क से थोड़ी सी लाइट शेड की टाइल डाली है, पैरापिट वॉल के अलॉन्ग हमने एक रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाया, उसके बाद पैरापिट वॉल पे हमने टाइल डाली, साथ के साथ उसी पैरापिट वॉल पे 3-3 फुट के गैप पे हमने अप डाउन या लेफ्ट जो आप चाहो वो लाइट डाली, उसके बाद हमने परगोला बनाया, परगोला का भी प्लेटफॉर्म हमने रेज किया और उसके नीचे भी हमने लाइट डाल दी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा अब अल्ट्रा लग्जरी का, कि मतलब भैया पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पार्टी में लोग आए तो कुड़ी कैंदी रैंदी सैटरडे वाला सीन बने तो बढ़िया, देख के मजा जाए और कोई सेल्फी ले तो आप ही घर पे आके सेल्फी ले। उसमें अब आपको कहना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझो, मैं आपका गेस्ट हूँ, मैं आपके घर आता हूँ, तो जब मैं ममटी या फिर जब आपके टेरिस के ओपन के लिए दरवाजा खोलूंगा तो मुझे सामने कुछ एक अच्छी सी चीज दिखाई देनी चाहिए। तो इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको ये करनी है कि जितना भी डोर की विड्थ है, सपोज अगर आपके टेरेस के ओपनिंग की ममटी की जिसे हम बोलते हैं मान लो 3 फुट की है, तो उसी को आपको 3 टाइम्स और सामने जो वॉल क्रिएट करेंगे वो बड़ी होनी चाहिए। तो हमें ममटी के सामने फ्रंट फीचर वॉल मिल गई जिसको हमने हाईलाइट कर दिया है, दूसरा हमने परगोला बना दिया। अब परगोला में यहाँ पे जो सिटिंग आप रखोगे एल शेप, यू शेप या जैसा भी आप रखने वाले हो, इसमें आपको थोड़े से कर्टेन्स डाल देने लेफ्ट या राइट में, या रोलर ब्लाइंड्स डाल सकते हो। अब जब परगोला पे आपके सिटिंग होगी तो वहां पे जो भी बंदा बैठेगा, जो भी गेस्ट बैठेगा, उसको सारे टाइम या तो फीचर वॉल दिखनी चाहिए, लेकिन अगर आपने सिटिंग परगोला ऐसी जगह दिया जहां फीचर वॉल मतलब जो हमने ममटी के बाहर दीवार दिखाई थी वो नहीं दिख रही, तो आपको ममटी की एक वॉल यूज करनी है कोई भी, और उस वॉल पे ये मल्टीपल वॉल लाइट्स का पैनल डाल देना है। अब आपका जो टेरेस है वो हो गया अल्ट्रा लग्जरी पहली, लेकिन अब आपको चाहिए बिल्कुल प्रॉपर। तो अब आपको क्या करना है, टाइल्स है जो आपकी, उन टाइल में पूरी टेरेस पे आपको डालनी है डेक फ्लोरिंग। डेक फ्लोरिंग से होता क्या है कि इट विल गिव यू अ फील ऑफ अल्ट्रा रिच, कि भाई कुछ काम हुआ है। अब यहाँ पे और क्या ध्यान रखना है कि जो भी परगोला है, परगोला के साथ आपको बारबेक्यू रखना है, क्योंकि जब पार्टी होगी तो बारबेक्यू का मन तो सबका करने ही वाला है। दूसरा, जहां भी परगोला है उसके बाद आपको एक ऐसा हिडन स्पॉट ढूंढना है जहां पे आपके जो खाना बनाने की जगह है या आपके वेटर्स है या फिर आपके यहाँ कोई कुक है वो थोड़ा सा हिडन रहे वहां पे। दूसरा, आपको सपोज करो अगर मैं आपको बताऊं कि ये मेरा परगोला है, परगोला इस तरफ आपका बारबेक्यू होना चाहिए और उस तरफ आपका बार काउंटर होना चाहिए जिससे कि सर्विंग में इजी रहे। लास्ट में इसमें जो ट्रिक है अल्ट्रा लग्जरी वाले में, उसमें क्या है कि जब पार्टी होगी आपके टेरेस पे तो आपको सारे एरिया को प्राइवेट जोन बनाना ही पड़ेगा, जो आपकी प्रिवेसी है वो खराब ना हो, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई दूसरा देखे तो वो अच्छा नहीं लगे, और आपका पड़ोसी अगर ऐसा हो कुछ वो फोटोज क्लिक करे कोई और बात तो खराब हो सकती है। तो आपको इस केस में क्या करना है, आपके पैराफिट वॉल के ऊपर टोटल हाइट हमें 6 फुट मतलब 3 फुट हाइट पैराफिट वॉल के, तो उसके ऊपर आपको 3 फुट और भी कुछ लगाना पड़ेगा जिससे कि आई विजन खत्म हो जाए और इधर उधर के लोग आपके फ्लोर में ताका जाकी ना कर पाए। दूसरा, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक और दे रहा हूँ, कई लोगों की घर के बीच में शाफ्ट भी आएगी तो शाफ्ट से आपका काम खराब हो जाएगा, तो आपको शाफ्ट को थोड़ा सा ऊपर उठा देना करीब 7 फुट की हाइट पे, और उस शाफ्ट के चारों तरफ आपको एक प्लेटफॉर्म बना देना। कई बार खड़े होकर ड्रिंक किसी का मन करता है या दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं साइड में सेपरेटली जाके, तो वो उस शाफ्ट की वॉल पे हाथ रख के बात कर सकते हैं। और गाइस, अब आप धीरे धीरे डेकोर का सामान आपके लिए लेके आ रहे हैं, अभी नहीं थोड़े दिनों में ट्रेडिंग पे हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा जहां से आप ये प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स, लेकिन यूनिक प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते वो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको एस्ट्रोनट लाइट, मतलब कि जो बच्चों को अगर हो सकता है एस्ट्रोनट का शौक हो तो, या मून का कोई शौक हो तो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा तो ये मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ इसको, इसको आप सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो नेक्स्ट वीडियो का पोल आ जाएगा, आप जिस पोल पे क्लिक करोगे, बेस थीम इंटीरियर या फिर कॉस्टिंग वाला, उस पर हम वीडियो डाल देंगे। और गाइज, हम मस्ती कैसे करते हैं, हमारा एनवायरमेंट क्या है, हमारा वर्क कल्चर क्या है, वो आप दूसरे चैनल इंटेक शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हैं, और यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।